हाय, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग हुआ था आज, ये 2 नवंबर को। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ एक मार करके मैंने रखा है 19,250 के ऊपर। जब तक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करेगा तो हम उसको कह नहीं सकते कि ये बुलिश होगा। फिर भी मार्केट, जैसे पहले ही मैंने बताया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है। तो थोड़ा बहुत 2-4 ट्रेडिंग सेशन में अभी कंसोलिडेशन होगा। फिर इसके ऊपर 19,200 के ऊपर जब तक 2-3 ट्रेडिंग सेशन में क्लोज नहीं हो रहा है, जब तक नहीं हो रहा है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये मार्केट बुलिश मोड आ गया। फिर भी अभी कंसोलिडेशन मोड में है, इसको हम कह सकते हैं अभी वीक बेयरिश कह सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी थोड़ा 15 मिनट में, देखते हैं 15 मिनट में चांस दिया था कि नहीं मार्केट, 15 मिनट में चांस दिया था कि नहीं। हाँ, दिया था मार्केट। आज देखो सुबह सुबह जब ओपनिंग हुआ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पोजीशन ना, कहीं तो आप देखो कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से तो लेकर आप पोजीशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर ऊपर देखा, पोजीशन तो दिया था, इनिशियली दिया था और बीच में भी दिया था, 12 बजे दिया था। तो आप लोग फिर आपके हिसाब से पोजिशन देख कर, मतलब रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ऑप्शन चेन, कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरे जो इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर, ये सब देखकर आप पोजीशन लेंगे। मतलब रिस्क के हिसाब से आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा कर लीजिए, तो लेके जाएंगे तो फिर आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा, तो प्रॉफिट होगा, होगा ही होगा प्रॉफिट। थोड़ा तो आपको ये करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो ये था। अब मार्केट आज थोड़ा बढ़ा क्यों है, आप देखो कितना गैप अप में ओपन हुआ था। इसका रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश होना शुरू हो गया, और जो फेड रेट, जो यूएस की जो फेड रेट ना, अभी वो जो बढ़ने वाला था, जो भी जितना हाइप हो रहा था वो नहीं बढ़ा अभी तक, वो इसको पॉज करके रखे हैं, अभी नहीं बढ़ा है। तो आगे बढ़ सकता है, फिर भी अभी तक जो मार्केट की जो मैक्रो फैक्टर है यूएस की, तो अभी ये उसको पॉज कर दे। तो इसके वजह से अमेरिका मार्केट में थोड़ा ज्यादा उछल आया, तो या इसके अमेरिका मार्केट में जब उछल आया तो फिर यहाँ इंडियन मार्केट और दूसरे यूरोपियन मार्केट अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन तो पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है, और एशियन मार्केट कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, आज एकदम से कंप्लीटली पॉजिटिव था। तो मार्केट हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिकवरी होना शुरू हो गया है। अब हमारा इंडियन मार्केट अभी करेक्शन शुरू हुआ है, कंसोलिडेशन मोड में है। तो आगे आगे, मतलब जहां तक लग रहा है कि आगे आगे मार्केट इंक्रीज होगा, मतलब बुलिश मोड आएगा, तो फिर भी कह नहीं सकते मार्केट में। अब मार्केट है वो अपने हिसाब से चलता है, हम तो पिछले जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। फिर भी अब जो भी है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो कभी भी पोजीशन लेकर प्रॉफिट कर सकता है विथ रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। तो ये तो था हमारी निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी थोड़ा देखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ भी लगा के रखा है, देखो 32,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा मैंने यहाँ भी लगा के रखा है, और इसका बड़ा हर्डल पॉइंट है 43,430 और 40 कह सकते हैं, मतलब 43,450, 450 तक। 450 के ऊपर जब मार्केट ट्रेडिंग करना शुरू हो जाएगा, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होगा इसके ऊपर है जो 43,450 के ऊपर, तो फिर हम कह सकते हैं मार्केट बुलिश मोड में आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे फिर इसमें बैंक निफ्टी में 15 मिनट में चांस दिया था कि नहीं, अपॉर्चुनिटी मिला था नहीं। हाँ मिला था। आप देखो हर जगह में मार्केट देता है अपॉर्चुनिटी देता है। देखो हर ये में देखो, ये ऊपर अब क्लोज हुआ था, गैप अप में ओपन हुआ था, फिर उसके बाद गिरा, फिर गिरा, देखो यहाँ की फिर ये बना, क्या इसको बोलते हैं डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी जब बना उसके बाद देखो यहाँ बना ग्रीन बुलिश कैंडल बना, तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा। हाँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता है, मार्केट तो ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर हो गया, सेलर सेलिंग करेंगे, बायर खरीद करेंगे, फिर ऐसे फिर ऊपर ऊपर लेकर के। यहाँ से कोई पोजीशन लेके बैठा होगा 42,900 के पास सपोज, तो देखो ये 43, आपको 100 पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट मतलब आपको 40-50 रुपया आराम से मिल जाएगा, 40 रुपया मिल जाएगा। तो ये था मतलब बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेडिंग है। अब बैंक निफ्टी में अभी भी, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया कि बैंक निफ्टी भी अभी देखो इसमें करेक्शन बोर्ड में है। अब बैंक निफ्टी करेक्शन एक दिन में अच्छे से भी हो जाता है, तो फिर बी केयरफुल। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, निफ्टी का एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। अब कल तो नया चेंज शुरू हो जाएगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी तो नया चेंज शुरू हो गया है,
तो उसके लिए अब कुछ दिक्कत नहीं है, 8 नवंबर को अब देखेंगे। 8 नवंबर तक मार्केट करेक्शन, मतलब जितना भी कंसल्टेशन होना है, मुझे जहां तक लग रहा है मार्केट तो हो जाएगा, 8 दिसंबर तक तो हो जाएगा। तो ये था हमारी डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। थोड़ा ऑप्शन चेन भी देख लेते, ऑप्शन चेन में और ये निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन चेन हम देखेंगे। ये हाँ यस, 2 नवंबर तो हो गया, आज तो था ये एक्सपायरी। अब 9 नवंबर का हम देखेंगे, 9 नवंबर को देखेंगे तो थोड़ा पता लग जाएगा। 9 नवंबर को देखो, कल तो शुरू होगा नया चेन, तो हम कह नहीं सकते कि मार्केट मतलब ऑप्शन चेन में, और नहीं बता सकते कि आप ये कहाँ है। फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ है, 19,500 के पास एक अच्छा राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, और यहाँ हम देख सकते हैं 19,000 के पास ये 76,000 है, और पुट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ के, अच्छा सपोर्ट पॉइंट है 19,000 के पास। यहाँ 19,500 के पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ज़्यादा यहाँ राइटिंग करके बैठे। उसके बाद फिर देखेंगे हम 19,600 के बाद, मतलब हर 100-100 पॉइंट के बीच में राइटिंग हुआ है, और यहाँ 20,000 पर 66,000 दे, तो थोड़ा बहुत तो है। अब ये जब कल मार्केट में ट्रेडिंग होगा, जब फिर पोजीशन लोग लेना शुरू करेंगे, तो पता लग जाएगा इस चेन में, जो नेक्स्ट जो हमारी निफ्टी का जो चेन नया चेन कल शुरू होगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट में कैसे क्या ट्रेडिंग हुआ, पोजीशन लेंगे तो फिर उस हिसाब से हम बता सकते हैं मार्केट कौन सी स्ट्राइक प्राइस से कौन से स्ट्राइक प्राइस के बीच में ट्रेडिंग होगा। तो ये था हमारे निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी तो आज पोजीशन पता लग जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अच्छा पोजीशन आ चुका है, यहाँ देखो यहाँ के 43,000 के पास किस अच्छा राइटिंग हुआ है, फिर ये 43 के पास कॉल राइटिंग भी हुआ है, फिर इसके बाद हम देखेंगे 42,000 के पास एक जबरदस्त सपोर्ट पॉइंट है। तो इसके बाद हम देखें कॉल साइड में, देखो 43,200 के पास, देन 43,500 के पास, देन 44,000 के पास हुआ है कॉल राइटिंग ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी अभी देखो ज़्यादा वाइड हो गया, देखो 42,000 से लेकर 44,000 तक मार्केट ओपन है बैंक निफ्टी के लिए। अब जो अगला जो हमारी चेन है ना, इसमें मार्केट बहुत वेहेंटली मतलब एग्रेसिवली मार्केट ऊपर जाएगा, जहां तक लग रहा है। अब एग्रेसिवली जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, मतलब 42,000 से लेकर 44,000 तक मार्केट ट्रेडिंग करेगा, ये जो ऑप्शन चेन है हमारी, आगे आगे जो ऑप्शन चेन होगा। तो ये था बैंक निफ्टी के हमारी ऑप्शन चेन के बारे में, और देखेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे क्या हुआ था। यस, इंटरनेशनल मार्केट भी ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट देखो डाउ जोन फ्यूचर भी 180 पॉइंट अभी तक तो जितना ओपन हुआ है, 7:20 तक ट्रेडिंग हुआ है अभी तक डाउ जोन फ्यूचर पे, अच्छा देखो 198 मतलब 200 पॉइंट उठा है, बढ़ा है। अब यहाँ नाजदाक भी देखो 169 मतलब 170 पॉइंट, हाँ तो यूरोपियन मार्केट तो अच्छा मतलब अच्छे से मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव है, 3-4 दिन से तो चल रहा था, अभी ये स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गया है। हमारी गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बड़ा है अच्छा। एशियन मार्केट तो लगभग सब पॉजिटिव में क्लोज हुए, अच्छे अच्छे देखो निकाई, देखो निकाई में कितने 350 पॉइंट, और इसमें 350 पॉइंट ताइवान वाले जो स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये अच्छा चीज है, मतलब मार्केट थोड़ा ट्राई कर रहा है पॉजिटिव में ये करने के लिए। और कमोडिटी देखेंगे, क्रूड ऑयल और क्रूड ब्रेंट क्रूड और गोल्ड, ये थोड़ा बढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो एडजस्ट हो गया। हाँ ये एक अच्छा चीज है, डॉलर इंडेक्स घटा है, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा चीज है। और ये और सबसे अच्छा चीज है बॉन्ड मार्केट में, इंडियन और यूएस बॉन्ड मार्केट घटा है, ये बहुत बड़ी रीजन है इक्विटी मार्केट की ऊपर आने का, बुलिश मोमेंट आने के लिए। आप एक्सिस बैंक देखेंगे एडीआर, हाँ यस, एचडीएफसी आईसीआईसीआई इंफोसिस ये सब एडीआर बढ़ा है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव मतलब गैप अप में ओपन हो सकता है। तो ये था हमारी एंटायर जो जितने भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शन के बारे में। ओवरऑल मार्केट अभी करेक्शन मोड में, मार्केट गैप अप में ओपन होता है, आप देखो आज कितने गैप अप में ओपन हुआ था, फिर आकर थोड़ा नीचे गिरा था, मतलब कंसोलिडेशन मोड में है अभी मार्केट।
मार्केट जैसे मैंने बताया था 19,200 के 250 निफ्टी में, जब तक वो ट्रेडिंग 250 के ऊपर 2-3 बार क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो हम कह नहीं सकते बुलिश हुआ आएगा मार्केट। और दूसरी बात बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था 43,430 और 450, 43,450 के ऊपर जब तक तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज नहीं हो रहा है हम कह नहीं सकते कंप्लीटली बुलिश है। अभी बुलिश है लेकिन हम उसको कह सकते हैं वीक बुलिश, अभी बुलिश हुआ ही नहीं। अब कंसोलिडेशन मोड में करेक्शन हो रहा है मार्केट, अब हो जाएगा जब जैसे मैंने बताया था कि ये स्ट्राइक, ये जो जो रेंज है इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। तो यही था हमारी एनालिसिस, और कल पॉजिटिवली मार्केट ओपन होने का चांसेस ज्यादा है, और कल फ्राइडे है, फिर 2 दिन के बाद फिर मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो ज्यादातर मतलब कल ही ट्रेंडी रहना, तो मतलब ट्रेंडी रहेगा तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप लोग अपने आपके हिसाब से रिस्क रिटर्न के हिसाब से पोजीशन लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। और हर चीज में हर बार आपको बताता हूँ, आप जब तक जब ट्रेडिंग ट्रेड ले रहे हो तो हर टाइम ऐसे लगाना, क्योंकि मार्केट ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप कोई 100% मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई न्यूज आ गया तो मार्केट अब फटाफट करेक्शन दिखाना शुरू कर देता है, तो मार्केट ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम जैसे बताते, कोई भी बताता है तो वो सब हिस्टोरिकल डाटा बता के, आज आज की कितना की क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ऑप्शन चेन में, ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ये सब देख रहे हम बताते हैं, लेकिन परफेक्टली कोई नहीं बता सकता। हाँ हो जाता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, हाँ ये हो रहा है तो मार्केट ओपन होगा नीचे में, नहीं तो गैपों में, नहीं तो गैप डाउन में होता है। और कभी भी ये कर रहे हो रिस्क रिटर्न को लेकर जाना, हर ट्रेड में इसे लगा के जाना। और थैंक यू सो मच, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।